तो सभी वेबसाइट पे यही आ रहा था कि नोटिस जाएगा तो ही प्रोसेस होगा। आप उस समय कोर्ट जो है नोटिस आपके घर पे भेजता है। लेकिन सर जैसे कि मेरे अपने पार्टनर से भी बात हुई, वो भी यही बोल रहे थे कि नोटिस जाएगा। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसी लड़की से जिनको नोटिस को लेकर के उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, और उनके सवाल बहुत अच्छे भी हैं जिसमें वो जानना चाहती हैं और इस बात पे बिल्कुल रिजिट हैं और टिकी हुई हैं कि नोटिस क्यों नहीं जाता, नोटिस अगर चला गया घर पे तो क्या होगा, फिर मेरे फैमिली वालों को मालूम चल जाएगा। तो नोटिस को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उनके वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोर्ट मैरिज करने के लिए नोटिस कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं होता है कि नोटिस जाएगा ही जाएगा। नोटिस तब जाता है जब हम स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं, तब नोटिस जाता है। अदरवाइज अगर आप अपने रिचुअल के हिसाब से शादी करते हैं और मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेते हैं कोर्ट से, तो किसी भी प्रकार से कोई नोटिस नहीं जाता है। मैं आगे आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी बताऊं, सबसे पहले आइए और इस वीडियो को देखते हैं। तो आज मेरे साथ शिखा है। शिखा के कई सारे सवाल हैं। जो सबसे ज़्यादा इनके मन में डर है वो नोटिस को लेकर के है, और नोटिस को लेकर के क्यों डर है, और एक कोई ये खबर भी दिखा रही हैं जिस खबर के माध्यम से, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अब सभी शादियों में नोटिस जाएगा, सच्चाई क्या है, आपको इनके सवालों से भी पता चलेगा। तो सबसे पहले आइए शिखा से बात करते हैं। शिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो में आए हो, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए शिखा जी, आपके मन में क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हो, और आप अकेले क्यों आए हो? सर, मैं अपने पार्टनर के साथ नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं आपसे अकेले में क्लियर करना चाहती थी कि कैसे प्रोसेस होता है, क्या चीजें हैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी तो आपके पार्टनर पे आपको ट्रस्ट नहीं है? सर, ट्रस्ट की बात नहीं है, लेकिन वो है ना कि वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें क्लियर करते हैं, बट मुझे जो सवाल थे वो मैं आपसे पूछ सकती हूँ फ्रीली। बिल्कुल, इसलिए मैं अकेले आई हूँ। ठीक है, पूछो, क्या पूछना है? जी सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी इसमें, इसलिए मैं अकेले आई हूँ क्योंकि हम लोग इंटरकास्ट है, तो मुझे काफी ज्यादा डर है कि उनके घर वाले कहीं कोई इशू ना क्रिएट कर दे या मेरे घर वाले कोई प्रॉब्लम हमें ना करें। अच्छा, तो इंटरकास्ट, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इंटरकास्ट मैरिज भी करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, पहले आपके रिचुअल के हिसाब से शादी हो जाएगी। दोनों लोग हिंदू हैं ना आप दोनों? हाँ जी। तो आपकी पहले रिचुअल के हिसाब से शादी हो जाएगी और सेम डे में कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं है। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब इसमें स्पेसिफिकली आप क्या पूछना चाहते हो? लेकिन सर, मैंने तो एक खबर पढ़ी थी अखबार में जो कि जिसमें लिखा हुआ था कि नोटिस जाना बहुत ज़रूरी होती है, बिना नोटिस के शादी नहीं होती है। वो जो आप बता रहे हो ना, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप शादी करते हो, जिसमें आप बिना शादी किए हुए कोर्ट में जाते हो और स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हो, तब नोटिस घर पर जाता है। लेकिन अगर आप पहले से मैरिज कर लो अपने रिचुअल के हिसाब से और उसके बाद से कोर्ट में जाओगे रजिस्टर्ड कराने के लिए, तो नोटिस नहीं जाता है। लेकिन सर, जैसे कि मेरे अपने पार्टनर से भी बात हुई, वो भी यही बोल रहे थे कि नोटिस जाएगा तभी प्रोसेस हो पाएगा। पार्टनर आपके किस आधार पे बोल रहे हैं? मैं आपके पार्टनर से मिला तो हूँ नहीं, तो वो किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? हमने ना काफी सारी वेबसाइट पे चेक किया, तो उन्होंने भी चेक किया, मैंने भी चेक किया, तो सभी वेबसाइट पे यही आ रहा था कि नोटिस जाएगा तो ही प्रोसेस होगा। आप देखो, समझो पहले जो लॉ है उसको समझो। लॉ ये है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हो तो शादी करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट चीजें होती है। जैसे क्या, कि दो अनमैरिड लोग होने चाहिए, या अगर पहले से कोई मैरिड है तो उसका वो उसका पार्टनर या तो डिवोर्स ले लिया हो या पार्टनर जीवित ना हो। यानी इन एनी केस आपको या तो आप डिवोर्स्ड हो सकते हैं या फिर सिंगल हो सकते हैं या विडो हो सकते हैं, तभी आप किसी और से शादी कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आप जाओगे शादी करने के लिए, सीधे सीधे कोर्ट में जाओगे कि मुझे कोई रिचुअल नहीं परफॉर्म कराना है, हम अलग अलग धर्म के लोग हैं तो हमें तो रिचुअल, हम कौन से धर्म को परफॉर्म करेंगे, तो हमें शादी करनी है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती है। उस समय कोर्ट जो है नोटिस आपके घर पे, यानी आपके रेजिडेंस प्रूफ पे भेजता है और भेज करके पूछता है कि किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बताओ, है ना। फिर वो ऑब्जेक्शन अगर किसी को होता है तो ऑब्जेक्शन बताते हैं, नहीं होता है तो नहीं बताते हैं। ये जो सारा प्रोसेस होता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है। लेकिन आपके वाले केस में, चूंकि आप अनमैरिड हो, हम स्पेशल मैरिज एक्ट में ना जा करके हम ऐसा करेंगे कि हम पहले आपकी शादी आपके रिचुअल के हिसाब से करा देंगे, यानी आर्य समाज में शादी करा देंगे।
आर्य समाज में जैसे शादी हो जाएगी उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे रजिस्टर्ड कराने के लिए, और कोर्ट में वो इजीली रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो इसमें नोटिस जाने का कोई सवाल नहीं है। एक और आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि सोचो इंडिया में इतने सारे लोग हैं, कितनी सारी शादियाँ घरों में होती हैं, सभी तो बाहर जाके भाग के तो नहीं होती है, तो घरों में जितनी शादियाँ होती हैं अगर इतनी शादियाँ कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड होती है, इन सारे रजिस्ट्रेशन में अगर कोर्ट नोटिस भेजने लगे तो सबके घर में एक एक नोटिस आएगा, क्योंकि आपके घर में कई लोग होंगे जिन्होंने शादी किया होगा, उन्होंने मैरिज को रजिस्टर्ड कराया होगा, तो आपके घर में भी 4-5 नोटिस आ जाना चाहिए कि भाई ये मैरिज रजिस्टर्ड कराने के लिए गया है, क्या है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब हम मैरिज को रजिस्टर्ड कराते हैं तो कोई नोटिस नहीं जाता है। तो ये जो आपने खबर सुना है, ये खबर मुझे तो सही बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा ठीक है सर, जैसा कि आपने मुझे बताया कि नोटिस नहीं जाएगा, तो फिर प्रोसेस कैसे होगा जब नोटिस ही नहीं जाएगा? प्रोसेस ये है कि आप आए हो, आप अभी बुकिंग करवा सकते हो। एक बार जैसे ही आप बुकिंग करवा लोगे आपको सर्विस टीम का नंबर मिल जाएगा और मेरा भी नंबर आपको एज ए इमरजेंसी नंबर मिल जाएगा, आप कभी भी हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज एक डेट डिसाइड कर लेना कि इस डेट पर आपको मैरिज करनी है, अगर उस डेट पर नहीं आ पाते हो तो उस डेट को आप आगे पीछे करवा सकते हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बुकिंग जैसी की तैसी बनी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो जैसे बुकिंग आपकी हो गई, टीम का पर्सनल नंबर आपको मिल गया, उसके बाद से जिस दिन आपकी शादी होनी है हमारी टीम खुद आपको कॉल करेगी, आप शादी वाले दिन आओगे, आपकी मैरिज आपके रिचुअल के हिसाब से परफॉर्म करा दी जाएगी और उसके बाद से कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा और सेम डे में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, कन्वीनियंट है, पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल लीक नहीं होता है और पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आप कर सकते हो। बट जैसा कि आपने बोला सर नोटिस नहीं जाएगा, तो ये क्या ये शादी वैलिड होगी? मैंने आपको समझाया कि ये जो शादी है वो आपके रिचुअल के हिसाब से हो रही है, स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं हो रही, रिचुअल के हिसाब से पहले शादी को परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद कोर्ट में रजिस्टर्ड करा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जो शिखा का सवाल है, शिखा का सवाल इस वजह से है क्योंकि उनको ये डर है कि किसी तरीके से उनके घर वालों को ना पता चल जाए कि नोटिस इनके चला ना जाए और पता ना चल जाए कि भाई उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रही थी कि उनको शादी हाइड करके रखना है और उनको डर है कि कहीं उनके पार्टनर ही डिस्क्लोज ना कर दे उनके पेरेंट्स को कि हमने शादी कर लिया, तो उनके मन में ये सारे डर थे। तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लीड इंडिया के माध्यम से अगर आप शादी करते हैं तो पूरी तरह से आपके इन्फॉर्मेशन को प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है, बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, हमारी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाता है, और नोटिस अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में इंटर रिलीजन शादी कर रहे हैं तभी जाता है, नॉर्मल शादियों में नहीं जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।